साथियों, ये मसवानपुर एरिया है और ये मसवानपुर कानपुर का एरिया संस्कृति और हेरिटेज, कल्चर एंड हेरिटेज में मैं आपको यहाँ मिलवाना चाहता हूँ कि देखिए कि कितनी शहर की जगह है जहाँ एक एक इंच जगह नपी और तुली हुई होती है। उस जगह में भी देखिए नीम का पेड़ है और नीम का पेड़ इन्होंने छोड़ करके ये मंदिर बनाया। पहले बात तो यहाँ के सभी वासिंदों को जो ये आप पेड़ों से लगाव रखते हैं इसके लिए तो कोट कोट धन्यवाद देता हूँ। और कल्चर एंड हेरिटेज में आपको मैं दिखाता रहता हूँ, नए नए वीडियो बनाता रहता हूँ और यूट्यूब पे डालता हूँ। तो इसी सिलसिले में आज सावन का सोमवार है और देखिए हमारी प्रबुद्ध महिला वर्ग जो विदुषी हैं हैं, आप अपना देखिए परिचय भी बता देंगी और ये यूट्यूब पे डालूंगा तो आप यूट्यूब पे डालूंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा यूट्यूब पे डालूंगा कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा देखिए अब आप अपना थोड़ा परिचय कौन बंगेश्वर धाम। हाँ आप बताएं आप क्या बोल रहे हैं। बंगेश्वर धाम में कीर्तन हो रहा है। कीर्तन हो रहा है सावन मास में। अच्छा हाँ आप क्या बोलेंगे। आप बोलिए कीर्तन हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ आप बोलिए। बहुत सुंदर है, इससे हाँ बाबा जी की कृपा रहती है और सब लोग इधर इसमें देखिए। हाँ आपको भी बहुत अच्छा लगता है, स्वास्थ्य भी सही रहता है इससे, है ना। बाबा की बहुत कृपा रहती है। अच्छा तो गाना गाते तुम लोग को बहुत अच्छा लगता है, गाना बहुत अच्छे अच्छे गाने ऐसा लगता है मिल रहे हैं बाबा के उसमें तो, सावन मास महीने में। हमारे दर्शकों को एक अच्छा सा भजन आप सुना दीजिए बाबा जी। हाँ Thank you.
बहुत बहुत धन्यवाद सभी हमारी विदुषी महिलाओं को जो इतनी तन्मयता के साथ भजन की प्रस्तुति की और ये मसवानपुर एरिया सरला देवी श्रीमती सरला देवी। एक मिनट।